हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 146, सिद्धार्थ की अनोखी कुकिंग स्किल। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ निया से पूछता है कि क्या वही हैकर अलीशा है, तो निया उसे सच सच बता देती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ और बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे एक साथ बैठकर निया पर नजर रखने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब आगे आदेश के जाने के बाद आशिका ने अथर्व को मुड़कर देखा और कहा, भाई देखना, मैं डैड को बोलूंगी कि इन्हें एक अच्छा सबक सिखाएं। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर चली गई। उन दोनों को जाता हुआ देखकर अथर्व हंसने लगा आदेश के ऐसे एरोगेट बिहेवियर की, और आशिका और उसकी छोटी मोटी नोकझोंक की उसे आदत हो गई थी। आज शाम को जो उन्होंने अच्छा समय बिताया उसे याद करते हुए वह ठीक से बेड पर लेट गया और मुस्कुराते हुए उसने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो उसे अपने हाथ पर कुछ भार महसूस हुआ। जैसे ही वह अपना हाथ खींचने वाला था तभी उसकी आंखें खुली तो सिद्धार्थ ने देखा कि उसके हाथ को पिलो बनाकर निया सो रही है। निया को देखते ही वह एक पल के लिए जम गया, फिर उसे धीरे धीरे करके कल रात की बात याद आने लगी। कल रात उन्होंने जिनकी बातें की और उसी के बाद बातें करते करते वह लोग यही सो गए। भले ही उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन उसके लिए उनका रिश्ता पूरी तरह से बदल गया था। सिद्धार्थ बहुत ही ध्यान से निया को देखने लगा। उसकी नज़र निया की गोरी चमकती स्किन, फिर उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, छोटी सी नाक और बड़ी बड़ी और घनी पलकों पर ठहरने लगी। उसका चेहरा कितना खूबसूरत था। वह ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 20 साल से ज्यादा की होगी। वह जैसे जैसे उसे देख रहा था वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से निया के चेहरे को छुआ। ठीक उसी वक्त निया ने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने सामने सिद्धार्थ को देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई, उसकी आंख एकदम शांत थी। तुम उठ गई? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसको देखकर पूछा। नहीं, मेरा भूत उठा हुआ है। खैर, मुझे बहस करने का कोई मन नहीं है, मुझे और सोना है, निया ने बहुत ही अलसाई हुई आवाज में कहा। ठीक है, थोड़ी देर और सो जाओ, मैं जाकर तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाता हूँ। ओके, निया धीरे से बुदबुदाए और उसके हाथ पर से अपना सर हटाया और वही रखे एक तकिए को हक करके वापस सो गई। पहले तो सिद्धार्थ को उस तकिए से थोड़ी जलन हुई, फिर अचानक ही वह मुस्कुराने लगा। जब निया बिल्कुल केयर फ्री होती है तो बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है। कौन ये कह सकता है कि उसके सामने सो रही ये क्यूट सी लड़की है, क्योंकि दुनिया की क्वीन है जिसके पीछे पूरे दुनिया के कई लोग पड़े हुए हैं। अचानक ही उसके चेहरे पर एक प्राउड दिखाई देने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे स्ट्रेच कर बेड से उड़ गया। फ्रेश होने के बाद रूम से बाहर आया। ठीक उसी वक्त आशिका और आदेश भी अपने अपने रूम से बाहर आए। उन तीनों ने ठीक एक ही वक्त दरवाजा खुला था और तीनों ने ही एक दूसरे को देखा। जैसे ही आशिका ने सिद्धार्थ को अपनी मॉम के रूम से बाहर आते देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरान और खुश दोनों थी। आदेश भी अपने भुहे सिकुड़ कर सामने खड़े आदमी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। क्या उसकी मॉम सचमुच इस इंसान को पसंद करने लगी है? उन दोनों को देखकर सिद्धार्थ भी हैरान हुआ। बस उसने उन दोनों की तरह रिएक्ट नहीं किया। आफ्टर ऑल बच्चों को इसकी आदत पड़ने ही वाली है। धीरे से दरवाजा बंद करके वह उन दोनों के पास आया और उसने प्यार से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। आशिका ने भी बड़ी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कहा और सिद्धार्थ को देखते ही जल्दी से अपने शौक वाले एक्सप्रेशन बदल दिए थे। आदेश अभी भी चुप था और वह अभी भी सिद्धार्थ को देख रहा था। भले ही उसे पता है कि उसके सामने खड़ा इंसान उसका असल पिता है, फिर भी वह उसे घूर रहा था। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और किचन के अंदर जाकर फ्रिज खोलकर देखने लगा। आशिका भी उसके पीछे पीछे आई और उसने पूछा, आपको भूख लगी है? सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या तुम लोगों को नाश्ता करने की आदत नहीं है? नहीं, हम नाश्ता करते हैं, आशिका ने कहा। अगर ऐसी बात है तो बैठो और देखो, सिद्धार्थ ने कहा। तब आशिका को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उन लोगों के लिए नाश्ता बनाने वाला था। उसने देखा कि उसके डैड फ्रिज से अंडे, दूध और ब्रेड निकाल रहे हैं, तो उससे पूछा, डैड क्या आप खाना बनाने वाले हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या आप खाना बना सकते हैं? आशिका ने सवाल किया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब आशिका ने ये देखा कि उसके डैड कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह भी अपने डैड के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती थी। वह मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। आदेश भी वहां आ गया और साइड से ये सब देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड सिद्धार्थ घूर कर गैस नॉब को देखने लगा और बार बार गैस नॉब को इधर उधर घुमाने लगा। मगर आग जल नहीं रही थी। उसे जलाने के लिए उसे जोर से प्रेस कीजिए। आदेश खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए।
आदेश की बात सुनकर सिद्धार्थ ने वैसा ही किया और उसने आग जला लिया और उसने पीछे मुड़कर आदेश को एक्सप्लेन करते हुए कहा, वह मेरे घर पर अलग ब्रांड का गैस है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। उसकी बात सुनकर आदेश ने अपनी आंखें रोल की, सब एक जैसे ही होते हैं, उसने अपने मन ही मन बड़बड़ाया। लेकिन वह ये बात ऊंची आवाज में नहीं कह सकता था, वरना उनके डैड की पूंछ आशिका अभी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती। फिर सिद्धार्थ ने एक फ्राइंग पैन के अंदर तेल डाला, कुछ ही सेकंड में उसने पूरा आधा पैन तेल से भर दिया। ये देखते ही आशिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, लेकिन सिद्धार्थ को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। अगले ही सेकंड सिद्धार्थ ने इस पैन में एक अंडा तोड़कर डालना चाहा तो आशिका खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, डैड तेल कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने उसे मुड़कर देखा, पूछा, क्या सचमुच इतना तेल से तो कम से कम एक महीने का ब्रेकफास्ट बनते हैं? आदेश ने कहा। रियली? सिद्धार्थ ने पूछा तो आशिका ने हाँ में सर हिलाया। उसका जवाब सुनते ही सिद्धार्थ ने पैन पकड़ा और सारा का सारा ले जाकर सिंक में डाल दिया। हे भगवान, मन ही मन आशिका उसे रुकना चाहती थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने पैन में बचा हुआ थोड़ा सा तेल देखा और उसे लगा कि यह नाश्ता बनाने के लिए परफेक्ट है। भले सिद्धार्थ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन उसने जिस तरह से पैन पकड़ा हुआ था, उससे दूसरे लोगों को ये भ्रम हो जाए कि वह अक्सर कुकिंग करता रहता है, और आशिका को भी यही लगा कि शायद तेल डालने में सिद्धार्थ को कोई गलती हो गई होगी। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ ने एक और अंडा फोड़ा और उसका छिलका भी पैन में लिया, अंदर डाल दिया। ये सब देखते हैं आशिका ने अपने मन ही मन कहा, ये सब मेरे इमेजिनेशन से उल्टा क्यों हो रहा है? मैंने कहा, सोचा था कि मेरे हैंडसम डैड कुकिंग करेंगे, और यह इन्होंने तो मेरे सपनों पर बुलडोजर चला दिया। किचन में सिद्धार्थ लगातार अंडे तोड़कर उनके छिलकों को साथ पैन में डाला जा रहा था और उन्हें मिक्स कर रहा था। जल्दी ही सारा का सारा खाना जल गया और पैन पूरी तरह से काला हो गया। ये देखते ही सिद्धार्थ की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने मन ही मन कहा, यह अलग क्यों दिख रहा है? मैंने इंटरनेट पर ऐसा तो नहीं देखा था। सिद्धार्थ जैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर पैन में लगे हुए जले हुए चीजों को छूने ही वाला था, पीछे से किसी ने उसे वार्निंग दी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथ भी जल जाएंगे, आदेश ने पीछे से कहा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने पूछा तो उसकी बात सुनकर आदेश ने स्टूल सामने लगाया और सिद्धार्थ के हाथ से पहले उसने सारा सामान ले जाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद वह उस पैन को ले जाकर सिंक में धोने लगा, फिर उसने उसे गैस पर रखा, उसमें थोड़ा सा तेल डाला। सिद्धार्थ पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका 5 साल का बेटा उससे ज्यादा चीजें कैसे जानता है। तभी आदेश ने ऑर्डर दिया, मुझे अंडे ला कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ फ्रिज के पास गया और कुछ अंडे ले आया। आदेश ने उसके हाथ से अंडे लिए और उन्हें तोड़कर धीरे धीरे पैन के अंदर डालने लगा। जब सिद्धार्थ ने ये देखा तो उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी। तभी आदेश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको भी सीखना है? हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ऐसे कीजिए, अंडे को हल्के से प्रेशर के साथ किसी चीज से टकराए और जो वह हल्का सा क्रेक हो जाए तो इस तरह से पैन में डाल दीजिए, आदेश ने समझाया। अपने बेटे के इंस्ट्रक्शंस मानते हुए सिद्धार्थ ने एक अंडा तोड़ा, पैन के अंदर डाल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना होता है, आदेश ने कहा। सिद्धार्थ ने पैन के अंदर देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। इतना कहकर उसने और 2-4 अंडे पैन के अंदर तोड़कर डाल दिया। जब आदेश ने देखा कि उसके डैड रुकने वाले नहीं है तो उसने कहा, आप इसमें थोड़ा सा नमक और कुछ स्पाइसेस भी डाल दीजिए। कौन से वाले? ये वाले, आदेश ने एक एक करके सारी बोतल सिद्धार्थ को पकड़ाए और एक एक करके दिखाने लगा। सिद्धार्थ भी बिल्कुल उसकी नकल करने लगा और कुछ ही देर में उनका एक तैयार हो गया। सिद्धार्थ बहुत ही प्राउड एक्सप्रेशन के साथ प्लेट में रखे हुए अपने मास्टरपीस को देख रहा था। तभी आदेश ने कुछ ब्रेड निकाले तो टोस्टर में डालने के लिए उसे देखकर सिद्धार्थ ने कहा, मैं कर देता हूँ, क्या आपको आता है? हाँ मैं कर दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। तो आदेश ने ब्रेड सिद्धार्थ को दे दिए। सिद्धार्थ ने ब्रेड को टोस्टर के अंदर डाला और हाँ मैं गर्दन हिलाकर अपने आप से ही बोला, अच्छी बात है, टोस्ट थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर वह मुड़ा और पीछे कुछ और देखने लगा और वही आदेश हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रहा था। उसने अपने मन ही मन कहा, इन्होंने ये सब सीखा कहाँ से? क्या ब्रेड अपने आप टोस्ट हो जाने वाली है बिना टोस्टर का स्विच ऑन किए? लेकिन उसने गहरी सांस छोड़ी और जाकर टोस्टर का स्विच ऑन कर दिया। तभी सिद्धार्थ ने आदेश की तरफ देखते हुए पूछा, अब इस दूध के साथ क्या करना है? आदेश ने इंस्ट्रक्शन दिए, वहाँ पर ग्लासेस रखे हुए हैं, दूध पहले ही गर्म हो गया, उन्हें ग्लासेस में डाल दीजिए। पूरे ब्रेकफास्ट बनाने में ये सबसे आसान काम था, जिससे आदेश को लगा। आदेश की बात सुनते ही सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए।
जैसे वह कह रहा हो कि उसका बेटा ये भारी काम उस पर छोड़ सकता है। उसके बाद सिद्धार्थ ने कुछ ग्लासेस निकाले और उसमें दूध डाल दिया। जल्दी आदेश की मदद से ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, भले ही बस परफेक्ट नहीं बनाता फिर भी खाने लायक तो था ही। आदेश ने कुछ फ्रूट्स भी काट कर वही रख दिए। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना कंधा थपथपा है और मन ही मन कहा, मैंने भी मदद की है और मैंने इतना बड़ा काम कर दिखाया। इस वक्त सिद्धार्थ बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। जब ब्रेकफास्ट टेबल पर रख दिया गया तो सिद्धार्थ ने मुड़कर आशिका को देखा और कहा, जाओ अपनी मोम को उठा लो ब्रेकफास्ट करने के लिए। आशिका ने मुस्कुरा कर हाँ कहा और निया के रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद आशिका जबरदस्ती निया को खींचते हुए बाहर ले आई और अथर्व भी अपने रूम से बाहर चलाया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर नाश्ता देखकर उसने वहां आते हुए कहा, वाह आपने एक्चुअली में आज खाना बनाया भाई, लेकिन आपकी कुकिंग स्किल्स को हुआ क्या है? यह अंडा थोड़े से जला हुआ क्यों है? आदेश की यह बात सुनकर सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा। निया ने भी सारा खाना देखा और उसने भी कहा, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स थोड़ी खराब हो गई है। अथर्व और निया की बात सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया। वही आशिका अब नहीं सुन सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आज ब्रेकफास्ट डैडी ने बनाया है। ये बात सुनते ही निया और अथर्व हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। सिद्धार्थ ने खुद को शांत किया और बैठते हुए बोला, आदेश ने मुझे सिखाया, मैं पहली बार कुछ बना रहा था, ये देखने में इतना अच्छा नहीं है, मगर मैं अगली बार से अच्छा करूंगा। तभी अथर्व ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, अच्छा नहीं है देखने में, मगर इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हाँ हाँ इतना बुरा भी नहीं है, निया ने भी कहा। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 147 भाई या बहन। अब तक आपने सुना कि पूरी रात सिद्धार्थ निया के ही घर पर रुकता है और अगली सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता, जिसकी वजह से आदेश उसकी मदद करता है और उसके बाद अथर्व और निया उनके बनाए हुए खाने में कमी निकालते हैं। अब आगे उन दोनों की बातें सुनकर सिद्धार्थ समझ गया कि वह लोग जरूर गलती से कहे हुए अपनी बात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने अपना सर झुकाकर खाने का एक बाइट लिया। खाना इतना भी बुरा नहीं बना था, उसका टेस्ट एवरेज था। जब उसने देखा कि निया खाना खा रही है तो उसने कहा, तुम्हें और खाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। निया ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, मेरे लिए खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये खाना अच्छा है। मेरे लिए भी आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है डैडी, मुझे भी है खाना काफी अच्छा लगा, आशिका ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने तो पेट भर कर खा लिया है, आदेश ने कहा। अथर्व ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने एक्शन से समझा दिया कि उसे और कुछ नहीं खाना और वह यही खाएगा। उन चारों को इस तरह खाते हुए देखकर सिद्धार्थ अपने आप मुस्कुराने लगा और फिर उसने नजरें घुमाकर अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट को देखा और अचानक ही उसे ऐसा लगने लगा कि यह काफी अच्छा है। तभी आशिका ने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, डैडी मॉम ने जब पहली बार खाना बनाने की कोशिश की थी ना, उसका एक्सपीरियंस हमें अभी भी याद है, आपने उनसे ज्यादा अच्छा बना लिया है। सिद्धार्थ इस बारे में और जानना चाहता था, तभी निया ने धीरे से हंसते हुए कहा, इंसान को अगर दूसरे लोगों की बुराई या फिर चुगली करनी होती है तो वह उनकी पीठ के पीछे करते हैं ना कि सामने। निया की आवाज़ सुनते ही आशिका ने धीरे से अपनी जीभ अपने दांत से दबा ली और वापस से अपना सर नीचे करके खाने लगी। सिद्धार्थ ने तीनों बच्चों और निया को देखा और उसे पता चला कि उसने इन सालों में काफी अच्छे मोमेंट्स मिस कर दिए हैं और उसने ठान लिया कि फ्यूचर में वो अपने सारे इस टाइम की भरपाई करेगा और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा। उसके बाद वह वापस अपना नाश्ता करने लगा। ठीक उसी वक्त आदेश अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था, जैसे ही अपने फोन पर चलते एक न्यूज को उसने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगली सेकंड दौड़ के सामने हॉल में लगी टीवी की तरफ गया और उसने टीवी ऑन किया। टीवी पर एक वीडियो क्लिप के साथ एक न्यूज दिख रही थी और टीवी एंकर कह रहा था, कल दोपहर में नदी के ठीक बीच में दो लोगों को पाया गया और उनके हाथ पैर बुरी तरह से बंधे हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह काफी टाइम से पानी में है, अभी वह लोग बेहोश है और आगे की डिटेल्स के बारे में हमें तब पता चलेगा जब वो होश में आएंगे। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे रेस्क्यू टीम रमेश और टीना को पानी से बाहर निकाल रही थी। दोनों ही बेहोश थे और जल्दी ही टीवी पर एक एम्बुलेंस का सीन दिखाया गया, जिसमें उन दोनों को एम्बुलेंस में लेटा कर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। अपना नाश्ता करते हुए पूरे परिवार ने ये सीन देखा। कितने लकी है ये लोग जो अभी भी जिंदा है, अथर्व धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था।
अगर जिंदा है तो जी उनके लिए और बुरी बात है क्योंकि उनके किए की सजा अभी तक पूरी तरह नहीं मिली है, उन्हें सजा मिलनी बाकी है, सिद्धार्थ ने सामने देखते हुए डाक एक्शन के साथ कहा। तो उसकी बात सुनकर आदेश ने टेढ़ी नजरों से सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने अपने एक्सप्रेशन जल्दी चेंज कर दिया और अपना सर नीचे करके खाना खाने लगा, लेकिन सिद्धार्थ के आसपास गिरता हुआ टेम्परेचर और उसका बढ़ता हुआ गुस्सा दोनों ही वह लोग अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। वहीं निया ने उस न्यूज को देखने के बाद कुछ नहीं कहा और वापस अपना नाश्ता करने लगी। कुछ भी करने के बाद उस पर कमेंट करना उसकी आदत नहीं थी, यह उसका कैरेक्टर था। नाश्ता करने के बाद निया ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी, तभी सिद्धार्थ के पास आया। एक फोन कॉल अटेंड करने के बाद निया कुछ दिनों के लिए बच्चों को अब्रॉय मेंशन भेजना कैसा रहेगा, दादू घर पर है तो वह बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और उसके अलावा तुम्हारे दादाजी भी वही है तो उनके लिए भी आसान होगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर निया ने एक सेकंड को सोचा और हमें सर हिलाकर कहा बिल्कुल। निया की हाँ सुनते ही सिद्धार्थ मुड़ा और उसने तीनों बच्चों को देखा। तीनों बच्चों ने कुछ नहीं कहा और अपने अपने रूम में अपना जरूरी सामान लेने के लिए चले गए। कुछ ही मिनट में उन्होंने अपना तीनों ने अपना बैकपैक पीठ पर टांग लिया और एक लाइन में खड़े हो गए। उन्हें देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि उन्हें भी ओबेरॉय मेंशन जाना है, जो अच्छी बात थी। निया ने तीनों की तरफ देखा, कहा चलो। तब सिद्धार्थ भी निया के पीछे पीछे जाने लगा और तीनों बच्चे उन तीनों के पीछे। गाड़ी के अंदर सिद्धार्थ ड्राइविंग कर रहा था और निया बगल वाली सीट पर बैठकर अपना फोन चला रही थी, जबकि तीनों बच्चे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। आशिका ने सामने बड़े दो इंसानों को देखा और समझने की कोशिश करने लगी कि क्या हो क्या रहा है। जल्दी ही उनकी गाड़ी निया के ऑफिस के सामने रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद निया ने मुड़कर तीनों बच्चों को देखा और कहा, तुम लोग ओबेरॉय मेंशन में अच्छे से बिहेव करना और अपने बड़े दादाजी को ज्यादा परेशान मत करना। तीनों बच्चों ने एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हम समझ गए। वह तीनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन तीनों की एक नज़र देखने के बाद उसने अपनी बात अपने मन में ही रखी और फिर कहा, मैं जा रही हूँ। तभी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सेटल करना है, इसलिए तुम्हारे साथ लंच करने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शाम को ऑफिस की छुट्टी के टाइम में तुम्हें पिक कर लूंगा। निया ने बस हमें अपनी गर्दन हिला दी, उसके बाद उन चारों को देखकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। वही निया जब तक अंदर नहीं चली गई, तब तक सिद्धार्थ उसी तरफ देखता रहा। तभी आशिका ने धीरे से उसके पास आकर कहा, देख क्या आपको नहीं लगता कि मॉम बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। आशिका की बातें सुन सिद्धार्थ अपने होश में वापस आया और उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। आशिका ने धीरे से उसके पास आकर कान में कहा, डैडी क्या आप और मॉम एक ही रूम में रुके थे कल? सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, क्या तुमने आज सुबह देखा नहीं? उसका जवाब सुनकर आशिका बहुत खुश हो गई और उसने पूछा, तो इसका मतलब आप लोग मुझे एक छोटा भाई या बहन देने वाले हो? आशिका की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ ने झटके से गाड़ी का ब्रेक मारा और हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? आशिका ने अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर आपस में टच करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैंने टीवी सीरियल्स में देखा है कि हीरो हीरोइन एक ही रूम में होते हैं और उसके बाद उन्हें बेबी होता है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने एक बार फिर गाड़ी शुरू की और बोला, तुम्हें भाई या बहन चाहिए? ऑफ कोर्स, मुझे और सबसे छोटा नहीं रहना है, हम उसका भी नाम ऐसे रखेंगे। और ऐसा क्यों? अरे क्योंकि हम तीनों का नाम है ऐसे है ना, और हम तीनों का नाम मोम ने ऐसे ही रख दिया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ना में गर्दन हिलाए और कहा, तो तुम्हें भाई चाहिए या बहन? एक बहन, आशिका ने किसी हिचकिचाहट के कहा। और वह क्यों? क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मुझे फ्यूचर में दोनों भाइयों से डील करने में मदद करे, ये लोग दो हैं तो उनसे लड़ने के लिए हम भी तो दो होनी चाहिए ना। यही सब सोचकर आशिका ने खुशी से कहा और उसकी बात सुनकर आदेश और अथर्व उसे घूरने लगे। सिद्धार्थ ने गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया। इतना कहकर सिद्धार्थ हंसने लगा और फिर उसने अपनी नज़र आदेश और अथर्व की तरफ घुमाई और कहा, और तुम दोनों का क्या, तुम्हें भाई चाहिए या फिर बहन? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें मॉम खुश उसमें मैं भी खुश हूँ, आदेश और अथर्व ने एक साथ कहा। उन दोनों की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया, मगर वह बता सकता था कि वह दोनों इतनी आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये बात वो समझ गया था कि इतने सालों की दूरी ने उनके बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है। भले ही वह उन्हें एक पिता के रूप में एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वह दोनों ही अपनी माँ को उसके साथ बांटना नहीं चाहते थे। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि कैसे इन दोनों को अपनी साइड करें।
थोड़ी ही देर में वह लोग ओबेरॉय मेंशन पहुंच गए। तीनों बच्चों को अंदर ले जाने के बाद सिद्धार्थ सीधा ऊपर अपने रूम में गया और शावर लेने के बाद अपने कपड़े बदल लिए। जब वह नीचे आया और ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी विक्रांत जी, जो उसका लिविंग रूम में ही उसका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा, रुको। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रांत जी अपनी चलने वाली छड़ी की मदद से धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए तो सिद्धार्थ ने पूछा, कोई काम है आपको दादाजी? विक्रांत जी ने अपनी आवाज धीमी की और एक मिस्टीरियस टोन में पूछा, क्या तुम कल रात निया के घर पर थे? उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया। उसने अपना सर घुमाकर बगल में बैठे तीनों बच्चों को देखा, जरूर ये तीनों का ही काम था। सिद्धार्थ को पता था कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कहा, हाँ बिल्कुल। विक्रांत जी ने फिर पूछा, क्या तुम दोनों एक ही रूम में सोए हुए थे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, और दादाजी कल रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और उसके बाद, इसके आगे सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही विक्रांत जी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, चुप हो जाओ, मुझे डिटेल्स नहीं जानने। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया। वह तो ये बताने वाला था कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वह दोनों उसी रूम में बेहोश होकर सो गए थे। तभी विक्रांत जी ने आगे कहा, अब जब निया ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी और जल्दी से जल्दी उसे दोबारा शादी के लिए मनाना होगा। जैसा कि तुम्हें पता ही है, पिछली बार तुम्हारी ही जिद की वजह से हमने तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवाई थी, वह भी बहुत सिंपल तरीके से, और ना ही किसी को पता चला था तुम्हारे शादी के बारे में। इसलिए इस बार तुम्हें एक बहुत ही बड़ी और ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी उसके लिए। इस बार शादी, यह ख्याल अचानक से सिद्धार्थ के दिमाग में आया और उसके दिमाग चलने लगे। पिछली बार उसकी वजह से ही सब कुछ बहुत सिंपल हुआ था और निया दुल्हन की तरह तैयार भी नहीं हुई थी, बस उसने एक सिंपल से रेड कलर का सूट पहन लिया था कोर्ट मैरिज के लिए। अचानक से ही दुल्हन के जोड़े में उसे निया दिखाई देने लगी और उसे पक्का यकीन था कि दुल्हन के जोड़े में उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी निया। और यह सब सोचते हुए उसके चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी सिद्धार्थ की सोच को बीच में ही रुकते हुए विक्रांत जी ने कहा, तुमने सुना जो मैंने अभी अभी कहा? सिद्धार्थ ने विक्रांत जी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ गया। तभी विक्रांत जी ने भी सिद्धार्थ की मुस्कान देखी और मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस बार फिर से तुमने निया को दुखी किया तो मैं भी तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा और तुम्हें मेरी जायदाद से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उनकी धमकी को सुनकर सिद्धार्थ ने नम में अपनी गर्दन हिलाए और कहा, दादाजी आप पहले ही यह धमकी मुझे हजारों बार दे चुके हैं, तो क्या तुम्हें फिर भी सुनना होगा और माननी भी होगी। ठीक है दादाजी, मैं मानता हूँ आपकी बात, अब मुझे बाहर जाना है। रुको, विक्रांत जी ने एक बार फिर सिद्धार्थ को रोका। सिद्धार्थ उनकी तरफ मुड़ा तो कुछ देर की सोचने के बाद विक्रांत जी ने कहा, मैंने आज न्यूज़ में उन दोनों लोगों के साथ जो हुआ वह देखा, किसने किया ये? तुम तो नहीं थे, मुझे शक है कि तुम इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ोगे। सिद्धार्थ ने नम में अपनी गर्दन हिलाए और कहा, नहीं, वह निया थी। सिद्धार्थ का ये जवाब सुनते ही विक्रांत जी हैरान हो गए। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 148, सिद्धार्थ गया टीना से मिलने। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ और बच्चे गाड़ी में बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद ओबेरॉय मेंशन पहुंचने पर विक्रांत जी सिद्धार्थ से शादी की तैयारियां करने के लिए कहते हैं और ये पूछते हैं कि टीना और रमेश का वह हाल किसने किया था, जिस पर सिद्धार्थ मियां का नाम लेता है। अब आगे, जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा कि टीना और रमेश का वह हाल निया ने किया है, तो विक्रांत जी शॉक होकर उसे देखने लगे। लगातार 5 मिनट तक उसे देखने के बाद अचानक से ही वह हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं एक ओबेरॉय परिवार के मेंबर से इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, देखा कितनी बहादुर और बोल्ड है वह, अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं ओबेरॉय परिवार को सुरक्षित हाथों में छोड़कर जाऊंगा। उनकी बातें सुनकर सिद्धार्थ वह मुस्कुराने लगा। तभी विक्रांत जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, निया ने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारे हाथों कोई क्राइम ना हो जाए, इसलिए हमें भी उसके किए गए काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि उसका यह नोबेल काम को सब नोटिस करें। मैं समझ गया दादू, मैं जानता हूँ कि टीना बहुत टाइम से तुम्हारी अच्छी दोस्त रही है, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो। इसके आगे विक्रांत जी कुछ कहते उसे पहले ही सिद्धार्थ ने बीच में रोकते हुए कहा, दादाजी। इस वक्त सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो रहे थे, दादाजी इन सब से मैं खुद डील कर लूंगा। जब विक्रांत जी ने सिद्धार्थ की आंखों में वह डिटरमिनेशन देखा तो उन्होंने कहा, ऑलराइट, मैं समझ गया, अगर अब आपको कुछ और नहीं कहना है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। विक्रांत जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सिद्धार्थ वहाँ से चला गया, उसे सबसे पहले ऑफिस जाकर कुछ मामले संभालने थे।
दोपहर के वक्त सिद्धार्थ जब मीटिंग से बाहर निकल रहा था तो विक्रम भी उसके पीछे पीछे ही था और उसने कहा, सर मुझे कुछ पता चला है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरफ देखने लगा तो विक्रम ने आगे कहा, सर टीना और रमेश को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद एक अच्छा हॉस्पिटल में ले जाया गया था और वह लोग अब ठीक है और खतरे से बाहर है। ये बात सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, मुझे ये भी पता चला है कि जब पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता कि वह वहां कैसे पहुंचे और किसने उनके साथ यह सब किया है। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, अफकोर्स उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने निया का नाम लिया या फिर अपना क्राइम कन्फेस करने से पीछे हटे तो उनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। उसकी बात पर विक्रम ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाए और पूछा, तो सर अब आपका प्लान क्या है? सिद्धार्थ ने उसी डेविल स्माइल के साथ कहा, बहुत टाइम हो गया ना, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला नहीं, लगता है उससे मिलने का टाइम हो गया है। विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है? हाँ सर हो गया है, यह आपको तो पता है मैं कितना ताकतवर हूँ, विक्रम ने मुस्कुराकर अपनी तारीफ करते हुए कहा। उसके इस बात पर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें रोल की, उसे पता था कि विक्रम अपनी ताकत की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और सीधे ऑफिस के बाहर निकल गया और विक्रम भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे आ गया। गाड़ी के पास पहुंचने पर सिद्धार्थ जब गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए, तभी विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप बैठ जाए पीछे, मैं चला लूंगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो विक्रम अपना हाथ हिलाने लगा और कहने लगा, सर मेरा हाथ ठीक है, मुझे क्या हुआ, मैं बहुत बहादुर हूँ। उसकी इस बात पर सिद्धार्थ ने एक बार फिर आंखें रोल की और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद विक्रम ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए ही पूछा, सर आशिका कैसी है, क्या वह ठीक हो गई? हाँ वह अब पहले से काफी बेहतर है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना था कि ऐसे इंसिडेंट से बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ट्रॉमा में चले जाते हैं, लेकिन आशिका ठीक है, इसका मतलब वह काफी बहादुर बच्ची है, विक्रम ने कहा। अचानक से सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ आया और उसने विक्रम की तरफ देखते हुए पूछा, विक्रम जी सर उस दिन हॉस्पिटल में दरवाजे के पास खड़े होकर तुम और निया क्या बात कर रहे थे, सिद्धार्थ ने पूछा। अचानक से सिद्धार्थ के ये सवाल पूछने पर विक्रम हैरान हो गया, उसने रियरव्यू मिरर से पीछे बैठे सिद्धार्थ को देखा और कहा, कुछ नहीं कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। सचमुच सिद्धार्थ के ऐसे सवाल से विक्रम समझ गया कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है, इसलिए उसने हकलाते हुए पूछा, ससिस सर क्या आपको पहले से ही पता चल गया है? सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, हाँ तुम्हें क्या लगता है, मुझसे कोई बात नहीं छुप सकती है और देखकर लग रहा है कि तुमने अपने लिए एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल इंसान को चुना है जो तुम्हें हर चीज से बचा पाए। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रम समझ गया कि जरूर निया ने विक्रम को कुछ ना करने के लिए कहा होगा। उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, ही सर मैंने तो यह आपके भले के लिए ही किया है, वरना मैम उनको कैसे पता चलता कि आपने कितना बड़ा खतरा उठाया उनके लिए, और बिना पता चले वह आपसे इम्प्रेस कैसे होती, और जब उन्हें मेरे जरिए इन सब के बारे में पता चला है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप चुपचाप उनके लिए सेक्रिफाइस कर रहे हैं और उनके लिए अपनी जान खतरे में डालकर उनकी मदद कर रहे हैं, जो उनके दिल को छू जाएगा। तुम ये कहना चाहते हो कि यह सब करने के लिए और मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? उसकी बात सुनकर विक्रम ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, ही नहीं सर आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल यह मेरा काम था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने फिर से एक बार आंखें रोल की और वापस से अपना ध्यान अपने फाइल पर लगा दिया। जब विक्रम ने देखा कि सिद्धार्थ यह मामला आगे नहीं बढ़ा रहा है तो उसने एक गहरी राहत की सांस ली, लकीली उसके पीछे निया थी जिसने इसे बचा लिया, वरना अब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल में टीना बेड पर बैठी हुई थी और खाली आंखों से ऊपर सीलिंग को देखे जा रही थी, उसका चेहरा पूरा तरह से सफेद पड़ा हुआ था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर कामिनी डरी हुई और बेचैन दोनों थी। उसने पूछा, टीना हुआ क्या है, तुम उस नदी के बीचों बीच जाकर फंसी कैसे? टीना अभी भी पूरी तरह से शांत और उसका चेहरा ब्लैंक था। कुछ तो कहो, कामिनी ने डेसपरेट होकर पूछा, लेकिन टीना चुपचाप वही अपनी सोच में बैठी रही। जब कामिनी हेल्पलेस फील कर रही थी तब भी उसी समय किसी ने दरवाजे पर नोक किया। दरवाजा खुलते ही जो इंसान अंदर आया उसे देखकर कामिनी शॉक हो गई, मिस्टर ओबरॉय। जैसे ही टीना ने अपनी मॉम के मुंह से यह बात सुनी उसने जल्दी से अपना सर उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा
वही कामिनी सिद्धार्थ को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने कहा, मिस्टर ओबेरॉय, क्या आप यहाँ टीना से मिलने आए हैं? इतना कहकर वो टीना की तरफ मुड़ी और उसने कहा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। टीना दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी, उसकी आंखों में अजीब सी इमोशन थे। तभी कामिनी ने सिद्धार्थ से कहा, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज अंदर आइए, बैठिए। सिद्धार्थ ने अंदर आने से पहले उन दोनों को देखा और फिर आकर वहां खड़ा हो गया। मिस्टर ओबेरॉय, इसके आगे कामिनी कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैम, सर यहाँ पर मिस टीना से कुछ प्राइवेट बात करने आए हैं। विक्रम की बात सुनकर कामिनी ने पीछे मुड़कर टीना को देखा, बल्कि कामिनी के दिमाग में सिद्धार्थ की प्राइवेट बात का मतलब कुछ और ही निकाल लिया था। फिर भी वह यहाँ से जा नहीं रही थी, उसे अपनी बेटी पर शुरू से ही बहुत गर्व रहा था और उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था, बस इस बात से कि उसकी बेटी इंडिया के सबसे बड़े परिवार की बहू बन जाए। इसी सोच के साथ उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और कहा, ठीक है, जरूर। और फिर उसने मुड़कर टीना की तरफ देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बाहर लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। टीना अभी भी पूरी तरह से चुप थी। टीना से बात करने के बाद कामिनी तो वार्ड से बाहर चली गई, कामिनी के पीछे पीछे विक्रम भी बाहर चला गया और उसने जाते वक्त दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त रूम में सिद्धार्थ और टीना अकेले थे। टीना की इमोशनल लेस आंखों में कुछ इमोशंस दिखाई देने लगे थे। उसे मन ही मन यकीन हो गया कि ये यहाँ जरूर उसका ख्याल रखने तो बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि आखिरकार उसने सिद्धार्थ की जान से प्यारी बेटी को चोट पहुँचाने की कोशिश की। सिद्धार्थ, टीना ने अपनी नजरें सिद्धार्थ पर टिकाए हुए कहा, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वह डार्क और गहरी आंखों से उसे देखे जा रहा था। 2 मिनट की चुपी के बाद सिद्धार्थ ने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, टीना तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता होगी कि मैं यहाँ तुमसे बातचीत करने नहीं आया। सिद्धार्थ की बात सुनते ही टीना अपनी जगह पर जम गई और उसने पूछा, सिद्धार्थ क्या हमारा रिश्ता उस स्टेज पर पहुँच गया है जहाँ तुम मेरी इस हालत में होने के बावजूद मेरी चिंता करने का थोड़ा सा नाटक भी नहीं कर सकते? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने बिना देरी के कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। सिद्धार्थ का जवाब सुनते ही टीना की आंखों में आंसू जमा होने लगे और उसने कहा, सिद्धार्थ भले तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरा तुम्हारी बेटी को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। सबक? जैसे ही सिद्धार्थ ने ये शब्द सुना उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपने आप को भी इजाजत नहीं दी है उसे सबक सिखाने या फिर डांटने की, तुम्हारी हमारी जिंदगी में क्या जगह है जो तुम उसे एक सबक सिखाओ? वह वही थी जिसमें पहले मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी। सिद्धार्थ की आंखें डार्क हो गई और उसने पूछा, अच्छा तो वह ऐसा दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं करती? मैं इसके आगे टीना कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, टीना झूठ बोलना बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। सिद्धार्थ की बातों से टीना और डर गई और उसने पूछा, सिद्धार्थ तुम क्या कहना चाहते हो? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इतना सब कुछ मेरे पीठ पीछे करने के बाद मेरे मन में कोई भ्रम नहीं रह गया है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी इंसान तुमसे ऊंची आवाज में बात करे या फिर तुम्हें चैलेंज करे, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है और तुम जरूर उससे बदला लेती हो या फिर उसे डराते धमकाते हो, लेकिन फिर भी मुझे यह नहीं लगा था कभी कि तुम इतने नीचे गिर जाओगी, एक मासूम सी बच्ची के साथ अपना बदला लेने पर उतर आओगी। टीना सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद अपने होश में आने पर टीना ने कहा, मैं ये सब इसलिए करती थी क्योंकि जो भी लड़की ऑफिस आती थी वो सब तुम्हें पटाने के चक्कर में या फिर तुम्हें सिड्यूस करने के चक्कर में रहती थी, ना कि काम के लिए, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ उनकी औकात दिखाई थी। तुम उन्हें नौकरी से निकाल सकती थी या फिर कुछ और कर सकती थी, लेकिन तुमने जो घटिया तरीके चुने उन्हें मुझसे दूर रखने के लिए, वह क्या सही थे? क्या दूसरों की इज्जत और जिंदगी बर्बाद करना ही तुमने सीखा है? सिद्धार्थ का ये सवाल सुनकर टीना चुप हो गई। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 149 समर्थ निया से मिलने पहुंचा। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ विक्रांत जी से सारी बातें डिटेल में करने के बाद ऑफिस चला जाता है और फिर वहां से विक्रम के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां टीना भर्ती है। टीना जानती है कि सिद्धार्थ उससे गुस्सा है, फिर भी वह अपनी हरकत और अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब आगे सिद्धार्थ की बातें सुनकर कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद टीना ने आगे कहा, यही एक रास्ता था जिससे मैं उन लड़कियों को तुमसे दूर रख सकती थी, वरना वह खुद को हमेशा तुम्हारे ऊपर थोपती रहती और तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती।
मैं इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ और न ही इतना महान जितना तुम बोल रही हो, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा से ही परफेक्ट थे, इतना कहकर टीना ने नजरें झुका ली। वह इतना परफेक्ट था कि टीना उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि उसने सबसे पहले खुद आगे बढ़कर सिद्धार्थ को ड्रग देकर उसके साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका दिल जीतने में नाकाम रही। वह इस वक्त बहुत निराश लग रही थी, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी उसे घूर कर देख रहा था। सिद्धार्थ को पहले से ही टीना की सोच और फीलिंग्स के बारे में पता था, इसलिए उसे थोड़ी बहुत दया आती थी। लेकिन जब उसने किसी और आदमी के साथ मिलकर निया पर हमला करवाया, तभी से सिद्धार्थ के मन में सिर्फ उसके लिए नफरत ही रह गई थी। और इस बार तो उसने आशिका के ऊपर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं था कि सिद्धार्थ किसी भी तरीके से उसका बिहेवियर टॉलरेट करेगा। उसने अपनी बात पूरी तरह साफ करते हुए कहा, मैं तुमने जो पास्ट में किया उसे याद दिलाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही तुमसे किसी तरह की सिंपैथी जताने आया हूँ। टीना लगातार उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत क्या होगी? अपना गुनाह खुद मान लो और चली जाओ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और उसके शब्द सुनकर टीना हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या कहा तुमने अभी? चली जाओ, सिद्धार्थ ने रिपीट किया। सिद्धार्थ की बात सुनकर टीना के होंठ कांपने लगे और उसने कांपते हुए होंठों से पूछा, क्या तुम मुझे जेल भिजवा रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए ही कहा, जो तुमने किया है और अपने गुनाहों की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अपने दांत पीसते हुए टीना ने पूछा, और अगर मैं खुद को पुलिस के हवाले ना करूं तो? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, टीना भले ही तुम्हारे बच्चे नहीं है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है। टीना ने अपनी चादर पर मुठिया कसते हुए कहा, सिद्धार्थ जब तुम मेरे किए को इतना गलत ठहरा रहे हो तो ये करने के बाद क्या तुम में और मुझ में कोई फर्क रह जाएगा? उसकी बातें सुनकर भी सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल और शांत थे और उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ जितना तुम सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई मुझे प्रवोक करे तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी से डर कर बैठ जाऊँ। उसकी आंखों में देखते हुए टीना को ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ अपने सामने किसी अजनबी को देख रहा है। उसने पूछा, सिद्धार्थ एक लड़की जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है, तुम उससे ऐसे बिहेव करोगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? उसने सब कुछ सिद्धार्थ के लिए किया था और भले ही सिद्धार्थ को पहले से पता था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने पहले उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और इस बार भी टीना को यही उम्मीद थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती, उसे तभी सिद्धार्थ की खतरनाक आवाज सुनाई दी, अगर 2 दिनों के अंदर तुमने खुद का गुनाह कबूल करके जेल नहीं गई तो तुम्हें मेरा कहर झेलना होगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, लेकिन मेरा प्रॉमिस तभी तक वैलिड है जब तक तुम खुद जेल चली जाओ, वरना उसके बाद मुझे दोष मत देना। इतना कहकर सिद्धार्थ गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह बाहर जाता उससे पहले ही टीना ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ रुको। सिद्धार्थ अपनी जगह पर रुक गया। तभी टीना ने रोते हुए कहा, तुम मुझे बताओगे कि उस निया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मैं वो लड़की हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, जबकि उस निया को तुम्हारी परवाह भी नहीं है, प्यार तो दूर की बात है। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और उसने उसे देखते हुए कहा, वह मुझसे प्यार करती है या नहीं करती यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बात इम्पोर्टेंट यह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और हाँ, अपने आप को उससे कंपेयर करने की हिम्मत भी मत करना, तुम ऐसा करके उसके अच्छे नाम और इमेज को खराब कर रही हो, उससे बराबरी करने की सोचना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए तेज कदमों से वार्ड के बाहर चला गया। टीना उसे हैरानी से जाता हुआ देखती रही, फिर वह अचानक चिल्लाई, तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा सिद्धार्थ। उसकी चीख पूरे रूम में गूंज रही थी और बाहर कॉरिडोर में भी सुनाई दे रही थी। विक्रम जो रूम के बाहर ही सिद्धार्थ का इंतजार कर रहा था, उसे बाहर आता देख उसके पास जाकर बोला, सर चलो यहां से। सिद्धार्थ ने आते ही उसे इंस्ट्रक्शन दिए। विक्रम ने हां में अपनी गर्दन हिलाए और सिद्धार्थ के पीछे पीछे बाहर जाने लगा। वह लोग कुछ कदम ही चले थे तभी वापस आती हुई कामिनी उन्हें दिखाई दी। उन्हें जाते हुआ देखकर कामिनी ने पूछा, मिस्टर ओबेरॉय क्या आप अभी जा रहे हैं? लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उससे बिना देखे ही वहां से निकल गया और कामिनी वही हैरान खड़ी रह गई। बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह ही विक्रम ने भी उसे इग्नोर किया और अपना सीना और नाक फुलाते हुए वहां से निकल गया। उन्हें ऐसे जाता हुआ देखकर कामिनी की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे किसी बात का अंदेशा होने लगा। वह कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ रूम में वापस पहुंची तो अंदर टीना ने अपने हाथ पर चाकू रखा हुआ था
उसे देखते ही कामिनी जोर से उसका नाम चिल्लाए और इतना कहते ही वह दौड़ के टीना के पास गई और उसके हाथ से चाकू छिनते हुए उसके ऊपर चिल्लाई कर क्या रही हो, तुम पागल हो गई हो। लेकिन टीना ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने अभी अभी क्या कहा तुमसे, कामिनी ने उससे पूछा, मगर टीना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि वह यहाँ तुमसे मिलने आया है क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रुको तुम यहीं पर, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इतना कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, टीना ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, आप मत जाए। कामिनी ने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा और कहा, बट तुम ऑलरेडी। टीना ने अपनी आंखें खोलते हुए उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे इस पागलपन वाले हरकत के कारण वह नहीं है। टीना के चेहरे पर अचानक एक टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने कहा, मॉम क्या आप ये नाटक बंद करोगी। उसकी बात सुनकर कामिनी पूरी तरह से हैरान हो गई। उसकी बेटी ने आज तक इस टोन में उससे कभी बात नहीं की थी, लेकिन टीना जिस मेंटल कंडीशन में इस वक्त थी, इसलिए कामिनी ने खुद को शांत रखा और कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हें आराम करना होगा। कामिनी की बात सुनकर बिना कुछ कहे टीना वापस बेड पर लेट गई और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही विक्रम ने सिद्धार्थ से पूछा, सर आपको क्या लगता है कि वह टीना खुद के गुनाह कबूल करके जेल जाएगी। अब यह उसके चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसे करना होगा, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और अगर उसने नहीं किया तो, विक्रम ने पूछा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। विक्रम जो सिद्धार्थ के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था, अपनी जगह पर जम गया और उससे कहा, मैनरा इसमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन विक्रम पर कोई ध्यान न देते हुए सिद्धार्थ गाड़ी के अंदर बैठ गया। विक्रम अभी भी वही खड़ा था। सिद्धार्थ ने एक बार उसे फिर से घूर कर देखा तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए विक्रम ने कहा, मुझे पक्का यकीन है सर आपने पहले ही प्रिपरेशन करके रखे होंगे, अगर वो टीना खुद का क्राइम कन्फेस नहीं करती है उसके लिए। सिद्धार्थ चुपचाप अपने फोन की तरफ देख रहा था। सर क्या आप सचमुच उसे जेल भिजवाना चाहते हैं? विक्रम ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, सिद्धार्थ ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए पूछा तो विक्रम ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाए और कहा, नहीं सर, उसने जो किया उसके लिए वही पनिशमेंट डिजर्व करती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम उसे अपने तरीके से भी सबक सिखा सकते थे। इस तरह से जेल भिजवाने से मैटर पब्लिक हो जाएगा और हमारे ऊपर और मुसीबतें खड़ी होंगी, आफ्टर ऑल वह हमेशा से ही खुद को पब्लिक के में आपकी मंगेतर कहती है, इसलिए जो लोग सच्चाई से अनजान है वो लोग पक्का अलग अलग तरह के अफवाहें उड़ाएंगे, जिससे कंपनी के रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। विक्रम ने पूरी बात समझाते हुए कहा, लेकिन उसके इतने बड़े एक्सप्लेनेशन के बाद सिद्धार्थ का एक छोटा सा जवाब देता है, तो नहीं सर मैं बस परेशान। इसके आगे विक्रम कुछ कहता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अच्छी बात है कि तुम कंसर्न्ड हो और तुमने इतनी सारी बातें बोल दी है, तो तैयार रहना कमर कस के, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें संभालना होगा। उसकी बातें सुनकर विक्रम स्पीचलेस हो गया। अब उसे खुद पर ही दया आ रही थी कि क्यों इतना वह बोलता है। अगर उसे कुछ पैसे भी चुकाने पड़े तो वह कुछ पैसे चुकाकर इस मुसीबत से निकलना चाहेगा। इन्हीं सब सोच के साथ विक्रम खुद में ही बड़बड़ाने लगा। फिर उसने रियरव्यू मिरर से सिद्धार्थ को देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलाते हुए उसने पूछा, सर हम कहाँ जा रहे हैं? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने टाइम चेक किया और कहा, AAA कंपनी जाना है। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखने के बाद समर्थ की आंखें डार्क हो गई। जल्दी से अपना फोन निया को कॉल करने के लिए उठाया, लेकिन काफी देर की हिचकिचाहट के बाद भी वह नहीं कर पाया। उसके अगले ही सेकंड उसने अपना जैकेट और गाड़ी की चाबी वाली और बाहर निकाल। अपनी कंपनी में निया काम कर रही थी, तभी सारा उसके पास आए और उसने कहा, निया तुमसे कोई मिलने आया है नीचे। उसकी बात सुनकर निया ने हैरानी से देखा और पूछा, मुझसे कौन है? सारा ने हंसते हुए कहा, अरे वही हैंडसम इंसान जो आपको कभी ऑफिस छोड़ने पहले आए थे। सारा की बात सुनते ही निया के दिमाग में सबसे पहला ख्याल समर्थ का आया था, क्योंकि अगर वह सिद्धार्थ होता तो वह लोग उसके नाम से उसे बुलाते। उसे ऑफिस छोड़ने सिर्फ दो ही लोग आए थे, एक समर्थ और एक सिद्धार्थ। इसलिए उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और कहा, मैं समझ गई, वह कैफे में बैठे हुए हैं। इतना कहकर सारा वहाँ से चली गई। कुछ देर तक सोचने के बाद निया ने फाइनली जाने का फैसला किया। निया जब कैफे पहुँची तो समर्थ हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मिलने आओगी। तुम सच सोच रहे थे? अगर तुम यहाँ डायरेक्टली मेरे ऑफिस नहीं आए होते तो मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती थी, निया ने जवाब दिया।
नेहा की बात सुनते ही समर्थ के मन में ख्याल आया कि क्या उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं। उसकी तरफ देखते हुए समर्थ ने कहा, मैं बस तुम्हें इतना बताने आया था कि टीना ने जो कुछ भी आशिका के साथ किया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं आशिका को कुछ भी करने से पहले उसे जरूर रोक लेता। उसकी बात सुनकर नेहा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 150 वो तुम्हारी कभी नहीं थी। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ टीना को खुद ही जेल जाने की धमकी देता है और उसके बाद टीना खुद की जान लेने की कोशिश करती है। जहां उसकी माँ उसे रोक लेती है, वहीं दूसरी तरफ निया के ऑफिस में समर्थ उससे मिलने आता है। अब आगे जब समर्थ ने देखा कि निया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, निया ने जवाब दिया। रियली? समर्थ ने वह बात ऐसे कहा, उसके टोन काफी हेल्पलेस लग रही थी, जैसे उसे निया की बात पर भरोसा ही नहीं है। अगर तुम्हारा सचमुच इससे कुछ लेना देना होता तो टीना अकेली नहीं होती जिसे मैं वहाँ से खींच कर बाहर ले जाती, निया ने जवाब दिया। निया सच कह रही थी, और दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये खुली धमकी थी। और उसके अलावा जब उसने ये सभी बातें कही तो कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही है, बल्कि वह सिचुएशन की सच्चाई समर्थ को बता रही थी। वही समर्थ अपनी आंखों में अलग तरह की इमोशंस ले निया को देखे जा रहा था। बिना उसके पता चले ही निया कोई और इंसान बन चुकी है जिसे वह जानता ही नहीं। उससे निया के आसपास जो हमेशा खुशमिजाज ऑरा महसूस होता था, वह अचानक की एक मिस्टीरियस ऑरा में बदल गया था, जैसे वह कुछ छुपा रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद समर्थ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे बस इसी बात की चिंता थी कि तुम मुझे गलत मत समझो। निया उसे देखकर कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही समर्थ ने कहा, मैंने न्यूज़ देखी थी टीना के बारे में और सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ही वह है जिसने ये सब किया है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इतना क्रूवल कैसे हो सकता है। उसकी बातें सुनकर निया चुप हो गई और उसने समर्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, समर्थ मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी सोच रखते हो जो दूसरों के सामने दूसरे इंसानों की बुराई करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। निया की बातें सुनकर समर्थ की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मैं बस सच्चाई। इसके आगे अभी वह कुछ कहता उसे पहले ही निया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सच्चाई यह है कि उसने कुछ नहीं किया टीना के साथ। और उसके अलावा इस टॉपिक को साइड में रखते हैं कि टीना की इस हालत के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाए फिर भी तुम मुझे जाने दोगे पुराने दिनों के लिए? निया ने समर्थ से सवाल पूछा। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एक जाल की तरह था, समर्थ के लिए मेरा मतलब वह नहीं था। तभी निया ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में तुम क्या करते, लेकिन एक बाहर वाले होने के नाते तुम हमेशा ही दूसरों के एक्शन को क्रिटिसाइज करोगे। निया की बातें सुनकर समर्थ का चेहरा काला पड़ गया। निया का कहा हर एक शब्द उसके लिए एक जोरदार तमाचा की तरह था। वही निया जिसका अब समर्थ से बात करने का कोई इरादा नहीं था, वह अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ। निया, अचानक से समर्थ ने उसे देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हम पहले की तरह नहीं हो सकते। कुछ देर तक निया ने उसे देखा और फिर उसको जवाब दिया, मैं पास को बुलाने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे बीच हुआ वह मैं भूल जाऊंगी, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? उसका सवाल सुनकर समर्थ ने उसकी आंखों में देखा और समर्थ के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। इस बात को साइड में रखते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से किसी भी काम में भागीदार नहीं थे, लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि उन्होंने पहले मेरे साथ गलत किया। फिर भी समर्थ तुम मुझसे नफरत करते हो, जो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ किया उसके लिए? निया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूरी सच्चाई उसे बताई। नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, समर्थ ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर निया के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने कहा, तुम्हें एक बार फिर सोचने की जरूरत है और एक बार अपने आप से पूछ कर देखो। निया की तरफ देखते हुए समर्थ को एहसास हो रहा था कि उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि वह कभी नॉर्मल दोस्त भी नहीं रह सकते। और उसके अलावा तुम टीना के साथ मिलकर जो प्लान कर रहे थे उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए एक पुराना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देना चाहती हूँ, तुम सब कुछ खो दो, उससे पहले रुक जाओ। निया ने अपनी बात खत्म की और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, अचानक से समर्थ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, सब कुछ खो दूंगा, क्या ऐसा पहले नहीं हो चुका है? मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स और तुम, मैंने सब कुछ खो दिया है बहुत टाइम पहले ही, इसलिए अब मुझे किस बात का डर होना चाहिए? वह तुम्हारी कभी नहीं थी,
अचानक से ही उनकी बातों के बीच में किसी ने बहुत ही गहरी और भारी आवाज में कहा। जब समर्थ ने उस दिशा में देखा तो उनसे 2 मीटर की दूरी पर सिद्धार्थ खड़ा था। वह अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसे घूर कर देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत देर पहले से वहां खड़ा है। सिद्धार्थ को देखते ही अचानक समर्थ की आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। निया ने भी सिद्धार्थ को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी नज़र समर्थ से हटाए और उसकी तरफ देखकर उसके पास चलते हुए आया और मुस्कुरा कर बोला, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन यहाँ आकर मुझे कुछ और ही देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी टाइमिंग हर बार कुछ ज्यादा ही परफेक्ट होती है, निया ने उसे चिढ़ाया। सच्चाई यही थी कि जो निया कह रही थी, क्योंकि कंपनी में से ही किसी ने कॉल करके सिद्धार्थ को समर्थ के यहाँ आने के बारे में बताया था, इसलिए सिद्धार्थ 1 घंटे की वजह 45-40 मिनट में ही वहाँ पहुँच गया था। सिद्धार्थ भी निया की बातों का मतलब समझ रहा था और उसने निया की बातों को नकारा नहीं बल्कि उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया? निया ने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है फिर चलो, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। उसने ऐसे प्रटेंड किया जैसे समर्थ उसके लिए कोई अजनबी है। निया ने भी कुछ नहीं कहा और वह आराम से सिद्धार्थ के साथ जाने लगी। उसके नजरिए से उसे और सिद्धार्थ को ऐसा देखकर समर्थ की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और यही समर्थ के लिए अच्छा होगा। समर्थ वही खड़े उन दोनों को जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसने मन ही मन कहा, सिद्धार्थ तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी होगी। जब समर्थ के दिमाग में यही सब चल रहा था तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो कॉल किसी अननोन नंबर से था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कॉल आंसर किया और कहा, हेलो मैं हूँ। वह आवाज सुनकर समर्थ ने पूछा, टीना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से टीना की धीमी आवाज आई। समर्थ जिसे टीना की हरकत के बारे में पता चल गया था वह अवश्य मिलना नहीं चाहता था और उसने पूछा, क्या जरूरी है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी समर्थ ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो कि एक बच्चे को नुकसान पहुंचाओ। तो क्या गलत है? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है अपने प्यार की बच्ची के साथ ऐसा होता हुआ देखकर? अगर तुम उस न्याय को इम्प्रेस करने के लिए मुझे मार भी दोगे ना तो वह कभी तुम्हारी नहीं होगी, टीना ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा और टीना की बातों ने समर्थ की वीक पॉइंट पर अटैक किया। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है और अगर तुम नहीं आए तो तुम कभी भी सिद्धार्थ को बर्बाद नहीं कर पाओगे। इतना कहकर टीना ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अपना फोन अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए समर्थ के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ निया का हाथ पकड़े हुए उसे ऑफिस के बाहर ले जा रहा था। तभी निया ने उससे पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो और खाना खाओ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। क्या हम यही कुछ नहीं खा सकते? निया ने सवाल पूछा। नहीं, इस जगह पर मेरा दम घुट रहा है, सिद्धार्थ का जवाब सुनकर निया समझ गई कि वह समर्थ के होने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, निया ने उसे रोकने के इरादे से कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ रुक गया और उसने निया को एक नज़र देखा और फिर उसके सामने ही अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया। हेलो मिस्टर विनोद, यह मैं हूँ सिद्धार्थ, निया आज आधे दिन की छुट्टी चाहती है। ठीक है थैंक यू, इतना कहकर सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली है तो चलो, सिद्धार्थ ने कहा। उसकी बातें सुनकर निया स्पीचलेस हो गई। सच्चाई तो ये थी कि सिद्धार्थ का कॉल देखकर विनोद कितना ज्यादा डरा होगा यह निया अभी से ही इमेजिन कर सकती थी, इसलिए वह सिद्धार्थ के किसी भी बात को मना करे ये तो इम्पॉसिबल था। अभी भी निया को वही खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, अब क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खा सकती? इस टाइम सिद्धार्थ निया के सामने ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे उससे ज्यादा भोला कोई है ही नहीं और उसके ऊपर दुनिया भर का अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए अब वह उसके साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक नज़र गाड़ी के खुले हुए दरवाजे को देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। रेस्टोरेंट के अंदर निया सिद्धार्थ को खाना खाते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ के हर एक मूवमेंट में कमाल का एलिमेंट था जो निया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये बात वह नकार नहीं सकती थी। तीनों बच्चों ने ज्यादातर आदतें सिद्धार्थ से ही ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लोग कब क्या कर रहे हो, मगर उनकी हरकतें उनका तरीका सब कुछ उसे सिद्धार्थ की याद दिलाता था। ये सब याद करते ही निया के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। जब सिद्धार्थ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसने निया को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे देखना तुम इतनी खुशी देता है? उसकी बात सुनकर निया अपने होश में वापस आई और उसने कहा, खुद की ज्यादा तारीफ मत करो,
उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे देखते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम मेरे सामने होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रही थी। उसका सवाल सुनकर निया के मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम्हें खाते हुए देखना मुझे अच्छा लग रहा था। निया ने कह तो दिया, लेकिन उसे अपने ही बात पर पछतावा हो रहा था। अब उसे पता था कि सिद्धार्थ उसे बहुत चिढ़ाएगा और उसकी उम्मीद बिल्कुल सही निकली। सिद्धार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हें हर वक्त गलत ही फीलिंग आती रहती है। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से उसके पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, वैसे मेरी फीलिंग्स को छोड़ो, कल रात तुम मुझे लेकर काफी कुछ फील कर रही थी, वो तो मैं ही था जिसने हमारा मोमेंट बिगाड़ दिया, वरना कल रात तो सब कुछ हो ही जाता। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात कही, निया का पूरा चेहरा लाल हो गया और अचानक से उसके दिमाग में कल रात के सीन घूमने लगे। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, निया जल्दी से उठी और वहाँ से चली गई। उसे इस तरह शर्मा कर जाता हुआ देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जान के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।